नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 6000 रुपये तक कुछ बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में। गाइस अगर आप फर्स्ट टाइम कोई एंड्रॉइड स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं या फिर दोस्तों आप अपने पेरेंट्स के लिए कोई अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जो कि दोस्तों फर्स्ट टाइम फीचर फोन से अपग्रेड करना चाहते हैं एंड्रॉइड फ़ोन में, जहाँ पर आप व्हाट्सअप वगैरह चला सकें, फिर दोस्तों आप अपने लिए ही कोई एक सेकेंडरी डिवाइस ढूंढ रहे हैं, तो गाइस इस वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहेगा, क्योंकि गाइस ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। और दोस्तों यहाँ पर वो काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन बताने वाला हूँ, जहाँ पर दोस्तों आप नॉर्मल डे टू डे टास्क आसानी से कर पाएंगे। और साथ ही गाइस यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी, बैटरी और साथ ही दोस्तों यहाँ पर वो कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलने वाली है। तो गाइस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहेगा। और हाँ गाइस यार, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर आपको कोई भी रैंकिंग नहीं बता रहे हैं। साथ ही गाइस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन को जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं गैजेट न्यूज हिंदी। गाइस चलिए शुरू करते हैं। यहां पर जियोनी से और जियोनी मैक्स आपको मिल जाएगा 6000 रुपए की प्राइस पर, जहां पर आपको डिजाइन और लुक काफी अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही गाइस यहां पर आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाएगी। साथ ही गाइस बात करूं यहां पर इस फोन की, तो यहां पर को देखने को मिल जाएगी 2GB RAM, 32GB की इंटरनल मेमोरी जिसे आप एक्सपेंड कर पाएंगे 256GB तक। और साथ ही गाइस यहां पर आपको मिल जाती है 6.1 इंचेस की बड़ी HD+ रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले। तो गाइस इस प्राइस में आपको काफी अच्छी यहां पर आपको डिस्प्ले देखने को मिल रही है। साथ ही गाइस यहां पर आपको मिल जाती है बैक में डबल कैमरा सेंसर, जहां पर मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का और 5 मेगापिक्सल का आपको यहां पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और दोस्तों प्राइस के हिसाब से यहां पर आपको इमेज क्वालिटी भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। गाइस बात करूं बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 5000 mAh की बड़ी बैटरी। तो दोस्तों इस प्राइस के हिसाब से यहाँ पर आपको काफी बढ़िया बैटरी बैकअप भी देखने को मिलने वाला है। 1 से 1.5 दिन का बैकअप यहाँ पर आपको काफी आसानी से मिल जाएगा। इस बात करूं परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है यूनिसॉक का प्रोसेसर, जो कि गाइस 1.6 GHz पर क्लॉक किया गया है। गाइस यहाँ पर आप नॉर्मल वर्क आसानी से कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको उतना अच्छा प्रोसेसर देखने को नहीं मिलेगा। इन दोस्तों यहाँ पर आपको सब कुछ बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, कैमरा, डिस्प्ले और बैटरी। तो दोस्तों अगर आपको ये तीनों चीज़ें पसंद है दोस्तों, आप इस फोन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगले फोन की, और अगला फोन यहाँ पर रियलमी की तरफ से Realme C2। ऐसे जो स्मार्टफोन है ये आपको मिलता है 6500 रुपये की प्राइस पर, जहाँ पर आपको मिल जाती है 2GB RAM और 16GB की इंटरनल मेमोरी से आप एक्सपांड भी कर पाएंगे 256GB तक। ऐसे जो स्मार्टफोन है यहाँ पर आपको डिजाइन भी काफी बढ़िया देखने को मिलने वाला है, और साथ ही दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये भी काफी ज्यादा ड्यूरेबल आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं मेन फीचर्स की। गाइस तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा 6.1 इंचेस की HD+ रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, जहाँ पर आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ज़्यादा कमाल की देखने को मिल जाएगी। साथ ही गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है बैक में डबल कैमरा सेंसर, जहाँ पर मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का और 5 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। गाइस अगर बात करूँ यहाँ पर इमेज क्वालिटी की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको इमेज क्वालिटी बहुत ज़्यादा कमाल की देखने को मिल जाएगी इस प्राइस सेगमेंट में। साथ ही गाइस यहाँ पर आपको मिल जाएगी 4000 mAh की बैटरी, जहाँ पर आपको एक दिन का बैकअप काफ़ी आसानी से देखने को मिल जाएगा। गाइस अगर बात की जाए यहाँ पर परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है MediaTek का P22 का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर। तो गाइस यार इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से यहाँ पर आपको बहुत अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप मल्टीटास्किंग भी कर पाएंगे। तो गाइस यहाँ पर आप गेमिंग का भी आनंद उठा सकते हैं। तो गाइस ये जो स्मार्टफोन है 6500 की प्राइस पर काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आप चाहते हैं रियलमी की तरफ से कोई अच्छा स्मार्टफोन, जहाँ पर आपको डिज़ाइन लुक के साथ में अच्छी डिस्प्ले, अच्छा कैमरा, अच्छी बैटरी लाइफ और साथ ही दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए गाइस, तो आप इस फोन को ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस अगर आप सैमसंग के फैन हैं और आपको सैमसंग की तरफ से कोई स्मार्टफोन लेना है दोस्तों, तो आप यहाँ पर सैमसंग M02 Core को चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। 2GB RAM 32GB वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा 6000 रुपये की प्राइस पर, लेकिन गाइस यहाँ पर आपको उतना अच्छा प्रोसेसर देखने को नहीं मिलेगा। गाइस अगर आपको सिर्फ सैमसंग का ही फोन चाहिए इस प्राइस सेगमेंट में, तभी दोस्तों आप इस फोन को चेकआउट कीजिएगा। इस बात करूँ यहाँ पर अगले फोन की दोस्तों, तो अभी तक मैंने जितने भी स्मार्टफोन बताए वहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता था। तो गाइस ये जो अगला स्मार्टफोन है यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट के साथ में काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर Asus M1 की, जो कि गाइस आपको मिल जाएगा 6500 की प्राइस पर। तो दोस्तों अगर आप 6000 तक कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगा 500 रुपये और बढ़ा करके आप इस फोन की तरफ जरूर से चेकआउट कीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इस फोन की। गाइस तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन और लुक भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। साथ ही गाइस बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट भी दिया गया है, क्योंकि गाइस काफी ज्यादा लोगों के लिए मायने भी रखता है इस प्राइस सेगमेंट में। और अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पर इस फोन की, तो गाइस यहां पर मिल जाएगी 3GB RAM 32GB की इंटरनल मेमोरी जिसे आप एक्सपेंड कर पाएंगे 256GB तक। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यहां पर इस फोन के मेन फीचर्स की। गाइस यहां पर मिल जाएगी 5.45 इंचेस की HD+ रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, जहां पर दोस्तों आपको डिस्प्ले कमाल की देखने को मिलने वाली है। और गाइस बात करूं यहां पर कैमरा की, इस बैक में यहाँ पर आपको सिंगल कैमरा सेटअप दिया गया है, जहाँ पर मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों अगर बात की जाए इमेज क्वालिटी का, इस तो प्राइस के हिसाब से यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया इमेज क्वालिटी देखने को मिल जाती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं बैटरी बैकअप का, इस तो यहाँ पर को दी गई 4000 mAh की बैटरी, जहाँ पर आपको एक दिन का बैकअप काफ़ी आसानी से मिल जाएगा।
चलिए गाइस बात करते हैं अब यहाँ पर परफॉर्मेंस की। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 430 का जबरदस्त प्रोसेसर। इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप डेली वर्क काफी आसानी से कर सकते हैं। साथ ही गाइस यहाँ पर आप नॉर्मल गेमिंग का आनंद भी उठा सकते हैं। गाइस यहाँ पर आपको क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड जैसा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको कोई फालतू एप्स भी नहीं मिलेंगे। गाइस अगर आप एक कॉम्पैक्ट सा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं इस सेगमेंट के अंदर, तो दोस्तों आप इस फोन को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। गाइस ये थी हमारी तरफ से कुछ टॉप 4 स्मार्टफोन्स की लिस्ट अंडर 6000 रुपीज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही गाइस अगर आप और भी ज्यादा पैसे खर्च करके कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं 8 से लेकर 10 हज़ार की प्राइस सेगमेंट में, तो गाइस उसके ऊपर भी हमने पहले से वीडियो अपलोड की हुई है, तो जाकर के आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आपको जल्द से जल्द दे दें। साथ ही गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी बटन को जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि गाइस आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।